वेलकम बैक टू अनदर वीडियो दोस्तों। जैसे कि आपको पता ही, पहली मेरिट लिस्ट लग चुकी थी और दूसरी भी अब लग चुकी है और उसी के एडमिशन हो रहे हैं। तो चलिए दोस्तों करते हैं थोड़ी सी इसी के बारे में बात। लेकिन यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा, जो पहली मेरिट लिस्ट थी उसमें काफ़ी ज़्यादा एडमिशन हो चुके थे, यहाँ तक कि सेल्फ फाइनेंस और प्राइवेट कॉलेज में तो लगभग कुछ ज़्यादा एडमिशन नहीं हुए थे, एक या दो मुश्किल से। लेकिन सबसे पहले गवर्नमेंट कॉलेज की ओर स्टूडेंट भागते हैं, तो गवर्नमेंट कॉलेज में काफ़ी ज़्यादा सीटें मतलब खाली थी और काफ़ी ज़्यादा भर भी चुकी थी बहुत से कोर्सेज़ में। तो यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ सेकंड मेरिट लिस्ट की, तो सेकंड मेरिट लिस्ट लग गई है और उसका एडमिशन होंगे 7 अक्टूबर को और 8 अक्टूबर को, दो दिन उसके एडमिशन होने हैं। तो यहाँ पे अगर मैं छोटी सी बात बताना चाहूँगा, जिसका पहली मेरिट लिस्ट में नाम आ गया था उसने एडमिशन ले लिया तो वो बहुत अच्छी बात है, बट जिसका पहली मेरिट लिस्ट में नाम आ गया था और उसने एडमिशन नहीं लिया था उसका नाम सेकंड मेरिट लिस्ट में नहीं आएगा, ठीक है। उसके बाद उसका अगली जो प्रोसेस होगी उसके अकॉर्डिंग उसका एडमिशन होगा। बाकी जिसका पहली मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया था उसको सेकंड मेरिट लिस्ट में वरीयता दी जाएगी, यानी कि उसका नाम सेकंड मेरिट लिस्ट में आ सकता है अगर उसकी परसेंटेज अच्छी हुई। यानी कि दो मेरिट लिस्ट ये थी जो यूनिवर्सिटी को लगानी थी, इसके बाद यूनिवर्सिटी कोई मेरिट लिस्ट नहीं लगाएगी। अब जो मेरिट लिस्ट लगेगी वो ओपन मेरिट लिस्ट लगेगी। ओपन मेरिट लिस्ट क्या होती है और इसमें क्या क्या करना पड़ता है वो मैं आगे बताऊंगा आने वाली वीडियो में। अभी के लिए सेकंड मेरिट लिस्ट लग रही है, जिसका एडमिशन हो मतलब आया है इसका इसमें नंबर, तो वो अपना एडमिशन ज़रूर से ज़रूर करा ले, आगे का कुछ नहीं पता। वैसे तो आगे भी हो जाएगा, बट अगर नाम आ रखा है तो आप कर सकते हो।